हाय दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक एस्टिगमेटिज्म, जिसको कि हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अबिंदुकता या एस्टिगमेटिज्म जो है, वो एक ऐसी डिफेक्ट है आई की, आँख की, जिसमें कि कोई जो पर्सन है वो किसी खास एक्सिस पर किसी इमेज को धुंधला देखता है, जिसके कारण हो सकता है कि वो पर्सन कोई अक्षर जो पढ़ रहा हो तो न दिखाई दे, हो सकता है कि कोई क्षैतिज या फिर जो ऊर्ध्वाधर कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कुछ भी जो लाइन हो वो उसको दिखाई ना दे, दिखाई दे तो हो सकता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे। अब जैसे कि एक लाइन है जिसको कि खड़ी पाई भी कहते हैं, और यदि उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें तो इसको इंक्लाइन लाइन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर इस तरीके से हम लोग हैशटैग जो बना होता है उसमें दिखेगा तो तिरछी लाइन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि वो दिखाई ना दे, साथ ही साथ ऑब्लिक जिसको कहते हैं वो भी ना दिखाई दे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किसी में भी बैक स्लैश इस तरीके से क का जो लाइन है वो ना दिखाई दे, फिर हो सकता है कि जो ए बना है ए बी सी डी का वो ना दिखाई दे, 1 2 3 4 का कुछ भी ना दिखाई, वो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये जो कंडीशन है जिसमें कि अबिंदुकता है, इस प्रॉब्लम में वो पर्सन को इस तरीके का कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन को दूर करने के लिए जो मुख्य रूप से डॉक्टर के द्वारा जो रिकमेंड किया जाता है लेंस, वो है सिलेंड्रिकल लेंस। और इस सिलेंड्रिकल लेंस ऐसा होता है कि इसको समझने के लिए हम लोग आइए एक कैरम का एक गोटी लेते हैं, और इस गोटी को यदि ध्यान से देखिए तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सभी कॉर्नर्स जो है ये जो चारों तरफ के जो हैं इनकी जो मोटाई है वो बिल्कुल एक समान है सभी तरफ से। तो यदि कल्पना किया जाए कि कुछ ऐसा हो कि एक तरफ में मोटाई जो है ये पतली हो जाए और कहीं से जो है कि मोटी हो जाए, तो वैसे कंडीशन में जो आकृति बनेगी किस लेंस की, वही जो होगी वो मुख्य रूप से एक सिलेंड्रिकल लेंस की आकृति कहलाएगी। और इस सिलेंड्रिकल लेंस जो है वो एक एक्सिस पे तो उसको मेजर करते हैं। अब जैसे कि यदि इसको मान लेते हैं कि अगर ये यहाँ पर एक सबसे पहले एक लाइन बनानी होती है जो कि 0 डिग्री को डिनोट करे, तो यदि ये सीधा लाइन ऐसे बनता है तो फिर वो क्या हो गया कि वो 180 के जैसा बनेगा। तो एक तरफ 180 होगा और दूसरी तरफ 180 होगा। जैसे कि मैं इस पर एक सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ करने की यदि कोशिश करूं तो क्या होगा कि ये जो होगा ये लाइन, इस लाइन के ऊपर में 180 डिग्री होगा और इस लाइन के नीचे में 180 होगा। अगर इसको एक हम लोग एक्सिस मान करके काम करें तो फिर देखेंगे कि ये जो एक तरफ है वो 180 है और इसको हम लोग एक्सिस मान के चलते हैं। तो इसी क्रम में होता क्या है कि डॉक्टर जो है वो एक मोटाई पे कहीं पर भी एक एक्सिस जो कि एक रिकमेंडेड मोटाई होती है उस जगह पर वो एक एक्सिस मान लेते हैं, और उसी एक्सिस के चारों तरफ उस लेंस को घुमा घुमा करके किसी पर्सन को देखते हैं कि उसको चेक करते हैं कि कितने एक्सिस पर जो है वो पर्सन जो है कि सही से देख पा रहे। तो लेंस की जगह पे अभी हम एक दूसरे जो घर में प्रयुक्त होनी युक्ति है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको कि आप लोग भी चाहें तो खूब आराम से अपने घर में इसको करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आकृति ली है जो कि एक कैंगरू शेप का है, मुझे लग रहा है आगे आपको चूहा भी लग सकता है या कुछ भी हो सकता है, खैर जो भी है हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। करते क्या है कि हम लोग यदि अभी देखें तो जब तक कुछ नहीं रखे हैं तो ये जो कैंगरू यदि मान लें तो इसका जो माउथ है वो लेफ्ट की तरफ है। अब करते क्या है कि इसके सामने जस्ट बगल में एक हम ग्लास रख देते हैं जिसमें कि पानी भरा हो, देखें तो बड़े आराम से कि जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है आपको, और जो कैंगरू का जो माउथ है वो अभी भी लेफ्ट में दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसको मैं अपनी तरफ लेते चलाऊँगा अब क्या हो रहा है कि देखिए जो इमेज है उसमें परिवर्तन होता चला जा रहा है, और अब यदि ध्यान से देखिए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे माउथ जो है वो लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ड्यू टू है क्या, कैंगरू के कारण। तो ये जो
इफेक्ट हुआ ये सिलेंड्रिकल लेंस के कारण हुआ, जिसमें कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसी तरीके से यदि इसको घुमा घुमा करके हम लोग देखेंगे तो फिर क्या होगा कि देखिए इसका शेप भी जो है वो अलग अलग चेंज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब शेप चेंज कर रहा है तो एक्सिस डिफरेंट एक्सिस पर जो है वो अलग अलग बन रहा है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर भी हैं वो रिकमेंड करते हैं, समझते हैं कि कितना पे ये कैसा शेप बनेगा और कैसे इसको स्ट्रक्चर काम कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके फलस्वरूप कहाँ पे हमें लेंस को प्लेस करना है, कितने डिग्री पे प्लेस करना है, जिसके फलस्वरूप वो पर्सन जो है एस्टिग्मेटिक पर्सन जो है वो सही तरीके से देख सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब याद कीजिए कि ये ऐसा होता क्या है। तो इसके लिए याद करना पड़ेगा कि बचपन में माँ जो है वो हम लोग तो नहीं देखे होंगे अपना, लेकिन जरूर किसी ने किसी को देखे होंगे कि माँ जो है वो या घर की जो औरतें हैं वो सरसों के तकिए पे बच्चों को सुलाती थी, जिसके कारण उनका जो हेड है वो गोल बना रहा है। हेड यदि गोल बना रहेगा तो अंदर का जो आई बॉल है वो भी एक शेप में रहेगा, और आई के शेप में बिगड़ने के कारण ही रेटिना पर जो इमेज है वो सही तरीके से नहीं बन पाता। इस कारण से ये प्रॉब्लम होता है, जिसके फलस्वरूप जो है एक्सिस को करेक्शन करना पड़ता है, और उसी एक्सिस के करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुरानी जो हम लोग की जो ये तकिए पे सरसों की तकिए पे सुलाने वाली जो पत्ती है वो साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो सही है। अब यदि किसी और चीज़ को हम लोग ले लें, जैसे कि यदि हम लोग एक काम करें कि एक लेटर को देखते हैं, अब इसके अंदर हम लोग लेटर को देखते हैं ज़रा, तो लेटर को यदि देखेंगे तो फिर क्या होगा कि अभी जो देख रहे हैं इस पानी से, तो यदि अभी देख रहे हैं सीधा सीधा बिना पानी के तो ये बड़े साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जब पानी के थ्रू जब ये यहाँ पर लेंस जो कि तरफ बिहेव कर रहा है इसको देख रहे हैं तो किसी खास एंगल पर आकर के ये चेंज कर रहा है, तो ये उल्टा हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से इसको जब मैं घुमा रहा हूँ तो क्या देख रहे हैं, इसका जो शेप है वो कुछ चेंज कर रहा है। देखिए किस तरीके से शेप जो है कि ये चेंज कर रहा है। तो इस शेप में जो चेंज है वो ड्यू टू सिलेंड्रिकल लेंस के कारण होता है, जो कि किसी खास एंगल यानी इस एंगल पर भी रखेंगे तो सही है, लेकिन जैसे ही एंगल चेंज हो रहा है तो फिर इसका शेप भी जो इमेज है वो चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि एंगल के करेक्शन के फलस्वरूप जो है वो पर्सन जो है कि बिल्कुल आगे बड़े आराम से देख पाएगा। तो एंगल को करेक्शन करने के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपको यदि अच्छा लगी वीडियो या इसके बारे में कुछ और भी जानना हो तो फिर आप इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।